Now in today's class we'll proceed with our next exercise, that is exercise 6.3. Exercise 6.1 में हमने समझा कि exercise 6.1 का जो concept है that is FPC, fundamental principle of counting, जहां पर हमने ये समझा कि total number of ways का मतलब होता है multiply. Second concept जो exercise 6.2 में हमने समझा वो था permutation, that is factorial, कि factorial का मतलब क्या होता है. Now in today's class we'll proceed with our main concept, that is permutation. अब यहां से हमारा permutation का concept start होगा. तो एक्सरसाइज 6.3 का जो कंसेप्ट है दैट इज परम्यूटेशन. और परम्यूटेशन से आपको एक वर्ड, परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट. लेकिन अरेंजमेंट दो तरह के होते हैं. अगर मैं अरेंजमेंट की बात करता हूं, अरेंजमेंट, देर आर टू टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट. वन, when repetition is allowed, another arrangement is when repetition is not allowed, तो permutation जो होता है वो कौन सा arrangement होता है? Permutation is an arrangement when repetition is not allowed. अगर क्वेश्चन में यह दिया हुआ है कि repetition allowed नहीं है, तो ऐसे arrangement के लिए हम apply करते हैं concept of permutation. Permutation का जो formula होता है that is NPR. NPR. This is permutation. When we apply permutation means we are applying NPR. अब NPR किसके equal होता है? Mathematically permutation is NPR which is equal to N factorial. अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल. तो अभी तक आपने क्या समझा कि परम्यूटेशन एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है. अगर क्वेश्चन में यह लिखा हुआ है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, देन वी विल अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ परम्यूटेशन. मैथमेटिकली परम्यूटेशन मीन्स एनपीआर एंड इट इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल. This is the concept of exercise 6.3. Now let's start with our exercise 6.3 first question. Now first question of exercise 6.3 is how many three digits number can be found by using the digits 1 to 9. Total number of digits. Can I say that यहां पे total number of digits 10 है? कैसे? बात हो रही है 1 to 9 की. Now here total number of digit is equal to 9. Here total number of digit is equal to 9. 9 कैसे? क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1 to 9. तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? 9 है. ठीक है. द नेक्स्ट पार्ट इज हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड. आपको कहा जा रहा है कितने हम थ्री डिजिट्स के नंबर बना सकते हैं 1 to 9 डिजिट्स का यूज करके अगर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है. नो डिजिट इज रिपीटेड. जैसे ये कहा गया कि नो डिजिट इज रिपीटेड, इट मींस रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. एंड इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, देन वी विल अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ परम्यूटेशन. कितनी डिजिट्स बनानी है आपको? थ्री डिजिट्स. आपसे बोला गया थ्री डिजिट्स नंबर 1, 2 एंड 3. अब देखो नो डिजिट इज रिपीटेड. नो डिजिट इज रिपीटेड का मतलब क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ थ्री डिजिट्स फॉर्म्ड. इट विल बी इक्वल टू टोटल डिजिट्स कितनी है? 9. और कितनी डिजिट्स के नंबर चाहिए आपको? 3. तो 9 डिजिट्स को 3 प्लेसेस में यूज करके हम कितने नंबर बना सकते हैं? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, दैट इज 9P3. टोटल डिजिट 9 है. 9 डिजिट्स में से यू कैन यूज एनी 3 डिजिट टू फॉर्म 3 डिजिट नंबर. Now 9p3 is, now 9p3 will be equal to 9 factorial upon n minus r, that is 6 factorial. कैसे आए? Because npr is equal to n factorial upon n minus r factorial. Now 9 factorial हम कहां तक एक्सपेंड करेंगे? 6 factorial तक. तो इट विल बी 9, 8, 7, 6 factorial. अपॉन क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल. इट विल बी कैंसिल आउट. 9, 8, 72 × 7. नाउ 7, 2 = 14, 7, 7 = 49 और 150. इज इट क्लियर? ठीक है. 9, 8, 72
इंटू 7 7 2 14 7 7 2 14 9 प्लस 150, इट मीन 504 थ्री डिजिट के नंबर हम बना सकते हैं बाई यूजिंग द डिजिट फ्रॉम 1 to 9 इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. इज इट क्लियर? ठीक है, लेट मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन इज हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड. हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, अब डिजिट की अगर बात नहीं हो रही तो हम सारी डिजिट देंगे. डिजिट आर, तो यहाँ पे ऑल डिजिट विल बी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब अगर आप इसको देखो तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी है? टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? 10 है. अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड. भाई कितने हम 4 डिजिट्स के नंबर बना सकते हैं? तो देखो, अगर हम बॉक्स बनाते हैं 1 2 3 एंड 4, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझो क्या यहां पे 0 आ सकता है? अगर फर्स्ट प्लेस में 0 आ जाएगा तो क्या वो 4 डिजिट का नंबर होगा? जैसे कि मैंने एक नंबर लिखा 0 2 5 6, क्या ये 4 डिजिट का नंबर है? नहीं. इसका मतलब ये जो फर्स्ट वाला जो ये फर्स्ट प्लेस जो है, ये जो फर्स्ट बॉक्स है, इस पर कंडीशन अप्लाई होगी. यहां पर क्या अप्लाई होगी? कंडीशन. इस फर्स्ट बॉक्स में क्या अप्लाई होगी? कंडीशन. कंडीशन ये अप्लाई होगी कि इस डिजिट को छोड़ के बाकी की 9 डिजिट्स में से कोई भी एक नंबर यहां आ सकता है. मैंने क्या कहा? व्हाट आई सेड, कि इस डिजिट को छोड़ के बाकी की 9 डिजिट्स में से कोई भी एक नंबर यहां आ सकता है. तो यहां पर क्या होगा? 9P1. लेकिन बाकी की अगर आप 3 प्लेसेस की बात करते हो तो ये विदाउट कंडीशन है. यहां पे कोई कंडीशन नहीं है. विदाउट कंडीशन का मतलब देखो, जो एक डिजिट यहां पर आ गई है उसको छोड़ दे, क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउड है नहीं. जो एक डिजिट यहां आ चुकी है, अगर मैं उसको छोड़ दूं तो कितनी डिजिट बची? 10 में से एक डिजिट यहां आ गई, बची कितनी? 9. तो 9 में से कोई भी 3 डिजिट यहां आ सकती है. तो कैन आई से दैट देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट्स नंबर देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू क्या होगा? 9P1. अब देखो, बिफोर प्रोसीडिंग विद दिस क्वेश्चन मैं आपको एक चीज समझा देता हूं. यहां पर दो केसेस बन रहे हैं, एक है 9P1, एक है 9P3. क्या आपकी रिक्वायरमेंट दोनों की है? दोनों का मतलब अगर मैं दोनों की रिक्वायरमेंट है तो हम बात कर रहे हैं एंड. मीन्स टोटल नंबर का मतलब यहां पर क्या है? 9P1 एंड 9P3. या क्या आपके पास चॉइस है कि टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट फॉर्म विल बी इक्वल टू 9P1 और 9P3? देखो, अगर एंड की बात होती है तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है, तो टोटल केसेस को मल्टीप्लाई करते हैं. टोटल नंबर ऑफ बेस को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई. लेकिन अगर हमारे पास चॉइस होती है कि टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट फॉर्म विल बी इक्वल टू 9P1 और 9P3, तब हम प्लस करते हैं. लेकिन अगर आप इस केस में देखो तो आपको इसकी भी जरूरत है और इसकी भी जरूरत है. तो टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर फॉर्म विल बी इक्वल टू 9P1 एंड, एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई. एंड 9P3. इज इट क्लियर? ठीक है. 9P1 विल बी इक्वल टू 9 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r 8 फैक्टोरियल. 9P3 विल बी इक्वल टू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3, ये हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल. इज इट क्लियर? ठीक है. अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 9 into 8 factorial upon 8 factorial, और इसको आप एक्सपेंड करोगे 6 तक, 9 8 7 6 factorial डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 6 factorial. इज इट क्लियर? ठीक है. 8 factorial 8 factorial विल बी कैंसिल आउट, 6 factorial 6 factorial विल बी कैंसिल आउट. 9 8 7 को अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था, ये 504 आया था, राइट? 504 आया था. 504 से 9 को मल्टीप्लाई करते हैं, 504 और 9, तो क्या हो जाएगा? 9 4 36, 9 0 0 3, 9 5 45. तो कैन आई से दैट टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड विल बी इक्वल टू 4 5 3 6. तो अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है विद द गिवन नंबर ऑफ ऑल डिजिट्स 0 1 2 9, हम कितने 4 डिजिट्स के नंबर बना सकते हैं? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. फर्स्ट ऑफ ऑल, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, वी विल अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ परम्यूटेशन.
लेकिन मेन पॉइंट जो है आपका इस कंडीशन का ध्यान रखना है कि अगर हम फोर डिजिट का नंबर ले रहे हैं और एक डिजिट जीरो है तो फर्स्ट प्लेस में जीरो नहीं आ सकता। तो जीरो को छोड़ के बाकी जो भी नाइन डिजिट है उसमें से कोई भी एक डिजिट यहाँ पे आप रख सकते हो। बाकी क्या, अब बाकी रिमेनिंग डिजिट कितनी बची, जो भी डिजिट यहाँ पर आएगी टोटल 10 डिजिट है जिसमें से एक डिजिट यहाँ आ गई, अब बची कितनी 9। तो 9 डिजिट में से 3 प्लेसेस आपको फिल करनी है, तो क्या हो जाएगा 9p3। अब क्या हमें दोनों केसेस की जरूरत है? यस, टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट फाउंड विल बी इक्वल टू 9p1 एंड 9p3। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर फाउंड विल बी इक्वल टू 9p1 इनटू 9p3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो रिक्वायर्ड आंसर विल बी 4536। इज इट क्लियर? ठीक है, लेट मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 1, 2, 3, 4, 6, 7। फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिट्स आर गिवन डिजिट्स क्या है? 1, 2, 3, 4, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 6, 7। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो गई? ये आपकी होगी 6। अब आपको क्या कहा जा रहा है? हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। 3 डिजिट्स का आपको नंबर बनाना है। तो देखो मैं यहां पर एक बॉक्स बना रहा हूं 3 डिजिट्स का, 1, 2, 3। बात हो रही है इवन नंबर की, तो कैन आई से दैट यहां पे कंडीशन अप्लाइड होगी? कैन आई से दैट यहां भी कंडीशन अप्लाई होगी? कंडीशन होगी यूनिट प्लेस पर अप्लाइड। इस बॉक्स में, इस प्लेस पर सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर आना चाहिए। इस बॉक्स में जो नंबर आएगा वो सिर्फ इवन होना चाहिए। अब यहां पर इवन नंबर कौन कौन से हैं? एक है 2, एक है 4 और एक है 6। तो कैन आई से दैट यहां पर जो कंडीशन होगी वो क्या होगी? 3p1। यहां पर कंडीशन क्या है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर आ सकता है, तभी ये, अगर लास्ट डिजिट इवन होगी तभी ये 3 डिजिट का नंबर इवन होगा। लेकिन ये जो दो बॉक्सेस हैं ये विदाउट कंडीशन है। अब देखो यहाँ पर टोटल कितनी डिजिट थे? 6 में से एक डिजिट तो यहाँ आ गई, बाकी कितनी बची? 5। वो 5 डिजिट में से कोई भी दो डिजिट इन दो बॉक्सेस में आ सकती है या 2 प्लेसेस पर आ सकती है। तो कैन आई से दैट वी कैन फिल दीज 2 प्लेसेस बाय 5p2 वेज। वी कैन फिल दीज 2 प्लेसेस 10 एंड 100 प्लेस बाय 5p2 वेज। अब क्वेश्चन ये बनता है, क्या हमें यहाँ पर चॉइस है कि टोटल नंबर ऑफ वेज अगर मैं फाइंड करूं, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग 3 डिजिट इवन नंबर, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग 3 डिजिट इवन नंबर्स इट विल बी इक्वल टू व्हाट? अब क्या हमारे पास चॉइस है? नो, वी डोंट हैव चॉइस। हमें ये वेज भी चाहिए, ये भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इट विल बी इक्वल टू 3p1 और 5p2, इट विल बी इक्वल टू 3p1 एंड 5p2। एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? 3p1 इंटू 5p2 इंटू 5p2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल। 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। ये क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल। 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल। अब देखो 3 फैक्टोरियल से तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो 5 फैक्टोरियल को हम कहां तक एक्सपेंड करेंगे? 2 फैक्टोरियल तक। तो ये क्या हो जाएगा? 5, 4, 3, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये कैंसिल हो जाएगा। 5, 4, 20, 23, 60। इट मीन 60 ऐसे 3 डिजिट इवन नंबर होंगे विच वी कैन फाउंड बाय यूजिंग दीज डिजिट विदाउट रिपीटेशन। Is it clear? ठीक है, this is the complete solution of question number 3. Let's move to the next question. Now next question is question number 4. Question number 4 is find the number of 4 digit number that can be formed using the digit. So given digits क्या है? Given digits are it is equal to 1, 2, 3, 4, 5. पहले आपको कहा जा रहा है कितने हम 4 डिजिट के नंबर बना सकते हैं विदाउट रिपीटेशन। फिर इसमें सेकंड पार्ट पूछा गया, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन। तो देखो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है?
अगर मैं टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स की बात करता हूं, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? 5। अब आपको 4 डिजिट्स का नंबर बनाना, 4 डिजिट्स का, तो ये हो गया 1, 2, 3 एंड 4। आपको 4 डिजिट्स का नंबर बनाना विदाउट रिपीटेशन, दैट इज परम्यूटेशन, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फोर डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड विल बी इक्वल टू, टोटल डिजिट्स कितनी है? 5, और 4 डिजिट 5p4। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 1 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल, विच इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 120। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट में बात हो रही है टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट्स इवन नंबर्स फॉर्म्ड। अब देखो, अगर मैं यहां बॉक्स बनाता हूं इवन नंबर के लिए, तो 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, इवन नंबर के लिए जो यूनिट प्लेस है वहां पर इवन नंबर होना चाहिए। यहां इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2 और 4। तो यहां आपकी कंडीशन अप्लाई होगी कि यहां पर इन दो नंबर डिजिट्स में से कोई एक डिजिट आ सकती है। तो यहां पर कंडीशन क्या हो जाएगी? 2p1। अब देखो, 5 में से 2 में से कोई एक डिजिट यहां आ गई, तो टोटल 5 में से एक नंबर तो यहां आ गया। अब बची कितनी? 4 डिजिट। 4 डिजिट में से कोई भी 3 डिजिट्स यहां आ सकती है। तो यहां पर क्या होगा? फर्स्ट 3 प्लेसेस के लिए क्या हो जाएगा? 4p3। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या हमें दोनों केसेस की रिक्वायर्ड है? यस, वी नीड बोथ केसेस। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, इट विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू 4p3 इंटू 2p1। ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, n माइनस r कितना हो जाएगा? 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाएगा? 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है आपका। तो कैन आई से दैट 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, और 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2, तो 24 2 जा, तो आंसर क्या होगा? 48। इसका मतलब इन 5 डिजिट्स का यूज करके हम 4 डिजिट्स के कितने नंबर बना सकते हैं विदाउट रेपिटेशन? 120। इन 5 डिजिट्स का यूज करके हम 4 डिजिट्स के कितने इवन नंबर बना सकते हैं विदाउट रिपीटेशन? 48। इज इट क्लियर? ठीक है, दिस इज द कंप्लीट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन, इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन, एज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजिशन। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कैन आई से दैट इक्वल टू 8? टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल टू 8। अब आपको क्या कहा जा रहा है? देखो, दो पोस्ट है एक ऑर्गेनाइजेशन में, दो पोस्ट है, एक पोस्ट है चेयरमैन की और एक पोस्ट है वाइस चेयरमैन की। आपको यह कहा जा रहा है कि कोई भी पर्सन एक से ज्यादा पोस्ट होल्ड नहीं कर सकता। इसका मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यानी कि जो पर्सन चेयरमैन होगा वो वाइस चेयरमैन की पोस्ट पर नहीं जा सकता, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, अब 8 पर्सन का यूज करके 2 पोस्ट ऑक्यूपाई करनी है, तो क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी इक्वल टू व्हाट? 8, कितनी पोस्ट है? 2, 8p2। 8 पर्सन को आपको 8 पर्सन का यूज करके हमें 2 पोस्ट ऑक्यूपाई करनी है, यानी कि इन 8 में से कोई भी 2 पर्सन सिलेक्ट होंगे, एक चेयरमैन के लिए होगा, एक वाइस चेयरमैन के लिए होगा। तो उनको सिलेक्ट करने के कितने वेज है हमारे पास? दैट इज 8p2। देखो, परम्यूटेशन का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं, एक ऐसा अरेंजमेंट, परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा अरेंजमेंट जिस पर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता, इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं होता। तो जैसे क्वेश्चन में कहा गया आपको कि नन ऑफ द पर्सन कैन होल्ड मोर देन 1 पोजिशन, यानी कि जो चेयरमैन की पोस्ट पर होगा वो वाइस चेयरमैन की पोस्ट पर नहीं आ सकता। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 8p2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल। क्यों हमने ऐसा लिखा? बिकॉज
NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। देखो मैं हर क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, लेकिन जब आप एग्जाम में या टेस्ट में इस क्वेश्चन को स्कूल में करोगे तो आपको हर जगह इस रीजन देना है कि क्यों आपने इसको इसके इक्वल लिखा। ठीक है, जहां पॉसिबल होगा मैं लिख रहा हूं, लेकिन आपको ये हैबिट बनानी है कि हर क्वेश्चन में एग्जाम में देखो कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, हो सकता है इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आपका आ जाए, तो आपको उस एक क्वेश्चन को बेस्ट पॉसिबल वे में करना है। तो NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, दैट इज 8 फैक्टोरियल, n माइनस r, 8 माइनस 2 कितना हो गया 6 फैक्टोरियल। अब जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 8 7 6 फैक्टोरियल अपॉन में क्या आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो राइट आंसर इज 56। तो 56 वेज में से 56 देयर आर 56 वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2% फॉर दीज टू पोस्ट आउट ऑफ द 8%। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ n-1p3 रेशियो np4 रेशियो np4 इज इक्वल टू 1:9। आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, n की वैल्यू। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज n-1p3 अपॉन np4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/9। नाउ दिस इज n, दिस इज r, तो npr इक्वल टू क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाएगा n-1 - r n फैक्टोरियल अपॉन n-1 मतलब n-r फैक्टोरियल। तो n क्या है आपका n-1 n-r फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल अपॉन ये क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा n-r फैक्टोरियल इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1/9 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1/9। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये हो जाएगा आपका n-1 अपॉन में ये हो जाएगा n-4 फैक्टोरियल। इसको आप जब आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकेट होके न्यूमरेटर में आ जाएगा n-4 फैक्टोरियल और अपॉन में आ जाएगा n फैक्टोरियल इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/9 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। Now what we will have, it implies in numerator we will have n-1 factorial, in denominator we will have n factorial equal to क्या हो जाएगा 1/9 equal to क्या हो जाएगा 1/9। अब देखो अगर मैं इसको expand करता हूं तो यह क्या हो जाएगा numerator n-1 factorial, denominator n, then n-1 factorial equal to क्या हो जाएगा 1/9 equal to क्या हो जाएगा 1/9, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 1/9 1/n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/9। कैन आई से दैट क्रॉस मल्टीप्लाई n इक्वल टू 9, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन इज 5PR इज इक्वल टू twice of 6p r minus 1। देखो बिफोर प्रोसीडिंग विद दिस क्वेश्चन मैं आपको एक कंसेप्ट से क्लैरिफाई कर देता हूं। जब आप npr लिखते हो तो n और r के बीच में क्या रिलेशन होता है कि n आपका r से बड़ा होगा बिकॉज टोटल वैल्यू होती है, या n जो है वो r के इक्वल भी हो सकता है, लाइक 4 डिजिट है 4 प्लेसेस ऑक्यूपाई करनी है तो 4p4, बट n कभी भी r से छोटा नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? ठीक है, अब इस कंसेप्ट का यूज हम यहां करेंगे, कैसे करेंगे मैं अभी आपको बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये npr है, तो इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n-r, तो ये हो जाएगा 5-r फैक्टोरियल इक्वल टू ट्वाइस 2 n फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल अपॉन n-r। अब ध्यान से देखो 6 - r, तो ये हो जाएगा -r - क्या हो जाएगा +1 फैक्टोरियल। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, विच इंप्लाइज ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल देन 5-r फैक्टोरियल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल
सिक्स प्लस वन क्या हो जाएगा, सेवन माइनस आर फैक्टोरियल, सेवन माइनस आर फैक्टोरियल, ये बात क्लियर है, ठीक है। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा, ये सेवन माइनस आर यहां आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सेवन माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन फाइव माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सिक्स फैक्टोरियल, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइव फैक्टोरियल, ये हो जाएगा फाइव फैक्टोरियल, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, सेवन माइनस आर देन सिक्स माइनस आर एंड देन फाइव माइनस आर फैक्टोरियल, फाइव माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फाइव माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू, इक्वल टू ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, ये हो जाएगा सिक्स फैक्टोरियल का मतलब सिक्स इंटू फाइव फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फाइव फैक्टोरियल, इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ फाइव फैक्टोरियल एंड फाइव फैक्टोरियल विल बी कैंसिल आउट, फाइव माइनस आर फैक्टोरियल विल बी कैंसिल आउट, वी आर लेफ्ट विथ सेवन सिक्स जा 42, सेवन इंटू माइनस आर क्या हो जाएगा माइनस सेवन आर, माइनस आर इंटू सिक्स क्या हो जाएगा माइनस सिक्स आर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा सिक्स टू जा 12, इक्वल टू क्या हो जाएगा सिक्स टू जा 12, इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ आर स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस सेवन आर माइनस सिक्स आर, ये हो जाएगा माइनस थर्टीन आर, ये हो जाएगा माइनस थर्टीन आर, देन प्लस फोर्टी टू, प्लस फोर्टी टू, प्लस फोर्टी टू, ये प्लस ट्वेल्व यहां आके क्या हो जाएगा माइनस ट्वेल्व, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा जीरो, इक्वल टू में क्या हो जाएगा जीरो, इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, आर स्क्वायर माइनस थर्टीन आर, फोर्टी टू माइनस ट्वेल्व कितना हो जाएगा थर्टी इक्वल टू जीरो। अब थर्टी के ऐसे फैक्टर आपको बनाने हैं कि थर्टीन आ जाए, थर्टी के ऐसे फैक्टर आपको बनाने की क्या आ जाए थर्टी आ जाए, टेन थ्री जा थर्टी, तो आप इसको लिख सकते हो आर स्क्वायर माइनस टेन आर माइनस थ्री आर प्लस थर्टी इक्वल टू जीरो, इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ फ्रॉम हेयर वी कैन टेक आर कॉमन, विद इन ब्रैकेट वी विल हैव आर माइनस टेन माइनस थ्री कॉमन आर माइनस टेन इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। नाउ कॉमन फैक्टर विल बी आर माइनस टेन एंड अदर फैक्टर विल बी आर माइनस थ्री एंड इट विल अगेन बी इक्वल टू जीरो, इट विल अगेन बी इक्वल टू जीरो। सो कैन आई से दैट इफ आर माइनस टेन इक्वल टू जीरो देन आर विल बी इक्वल टू टेन एंड इफ आर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो देन आर विल बी इक्वल टू थ्री। अब देखो आप एन आपका क्या था, एन यहां आपका एन फाइव है यहां आपका एन सिक्स है, तो क्या आर की वैल्यू टेन हो सकती है, क्या आर टेन एन से बड़ा हो सकता है, तो ये वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो कैन आई से दैट देयरफॉर आर विल बी इक्वल टू थ्री, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इज इट क्लियर, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन इज हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। देखो गिवन लेटर इज इक्वेशन, इक्वेशन अब आपको क्या कहते हैं, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर, सभी लेटर का यूज कर रहा है, तो कितने लेटर है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इट इज इक्वल टू एट। अब एट लेटर्स का यूज करके सभी लेटर्स का यूज करना है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, या टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट here total number of arrangement will be equal to 8 letters in 8 position, तो क्या हो जाएगा 8p8, भाई 8 letter 8 position पर rotate करेंगे तो क्या हो जाएगा 8p8। अगर देखो n और r की value same है तो basically इसका मतलब यह है कि it is equal to 8 factorial, it is equal to 8 factorial, तो यह क्या हो जाएगा 8 7 6 5 factorial, 5 factorial की value हमें पता है, ये हो जाएगा 8, 8 7 का कितना, 7 6 का कितना होगा 42, 8 2 का कितना होगा, 7 6 का 42 into 8, 8 2 का 16, 8 4 का 32 और 1 कितना हो जाएगा 33, ये हो जाएगा 3 3 6 और 5 factorial की value कितनी होती है 120। अब
336 को 12 से करो, 12 6 जा क्या हो जाएगा 72, 12 3 जा 36 और 7, तो 7 और 6 कितना हो जाएगा 13 और ये हो गया 43, तो ये हो जाएगा 3 और 4, 12 3 जा 36 और 4 कितना हो जाएगा 40 और एक 0, तो राइट आंसर इज 40320, इज इट क्लियर? ठीक है, इट मींस 40,320 वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद और विदाउट मीनिंग बाय यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ दिस वर्ड इक्वेशन, इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन इज हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे. देखो गिवन वर्ड क्या है आपका, मंडे. गिवन वर्ड इज मंडे. अब इसमें थ्री डिफरेंट केसेस गिवन है. फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा जा रहा है आपसे, फोर लेटर्स आर यूज एट अ टाइम. तो देखो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं. अगर मैं टोटल नंबर ऑफ लेटर्स की बात करता हूं, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स यहां पर कितने हैं, 6 है. फर्स्ट पार्ट में क्या कहा जा रहा है, फर्स्ट पार्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट. भाई देखो टोटल लेटर कितने हैं, 6. फर्स्ट पार्ट में आपको कितने वर्ड्स लेटर यूज करने हैं, 4. 6 में से 4 लेटर का यूज करके हम कितने वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग बना सकते हैं, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6p4. इट विल बी इक्वल टू n फैक्टोरियल, दैट इज 6 फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, दैट इज 2 फैक्टोरियल. तो ये हो जाएगा 6, 5, 4, 3, 2 फैक्टोरियल. अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल. अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल. ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, 4, 20, 23, 60. और 60 × 6 कितना हो जाएगा, 360. ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया. नाउ सेकेंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, ऑल द लेटर आर यूज एट ए टाइम. मीन 6 के 6 लेटर आपको यूज करने हैं. तो सेकेंड पार्ट में टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट. कैन आई से दैट 6p6, ऑल 6 लेटर विल बी यूज्ड. एन और आर की अगर वैल्यू सेम है, दैट इज 6 फैक्टोरियल. और 6 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 720. कितनी होती है, 720. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑल लेटर आर यूज बट फर्स्ट लेटर इज ए वोवल. देखो ऑल लेटर आर यूज, तो कितने लेटर हैं, 6 है. कितने लेटर हैं, 6 है. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. बट फर्स्ट लेटर इज ए वोवल. अब आपको क्या कहा जा रहा है कि फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, वोवल होना चाहिए. फर्स्ट लेटर वोवल होना चाहिए. तो देखो यहां पे वोवल्स क्या है, ओ और ए, यानी कि इन दो लेटर में से कोई भी एक लेटर यहां आ सकता. तो यहां तो कंडीशन होगी 2p1. अब 6 में से एक लेटर यहां आ गया, बचे कितने, 5. और पोजिशन भी कितनी है, 5. तो यहां कोई भी कंडीशन नहीं है, यहां 5 में से कोई भी लेटर आ सकता है. तो ये हो गया आपका 5p5. दिस इज 5p5. तो थर्ड पार्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इट विल बी इक्वल टू, वी नीड बोथ, दैट इज 2p1 × 5p5. तो 2p1 हो जाएगा आपका 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 5p5, एन और आर की वैल्यू सेम है, इट मीन ये 5 फैक्टोरियल है. 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 2. 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 होती है. तो राइट आंसर इज 12 × 24, 240. दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. फर्स्ट का आंसर क्या होगा, 360. सेकंड पार्ट का आंसर होगा 720. और थर्ड पार्ट का आंसर क्या होगा, 240. एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी of the distinct permutation of the letter in Mississippi. Given word is Mississippi. MISSISSIPPI. This is the given word. कितने letter हैं इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. तो total number of letters कितने हो गए? Total number of letters is equal to 11. क्या कहा जा रहा है? In how many of the distinct permutation of the letter in Mississippi do the four I's not come together?
फोर आईज नॉट कम टूगेदर, जब भी ऐसा केस आता है कि फोर आईज नॉट कम टूगेदर या कुछ भी ऐसा पूछा जाता है, तो नॉट कम वाला केस हम फाइंड नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं? देखो, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का वे होता है, सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है कि इन सभी लेटर्स का यूज करके हम कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं, यानी कि इन सभी लेटर्स का यूज करके कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं। कि यहां पर एस कितनी बार आ रहा है, यहां पर एस कितनी बार आ रहा है, चार बार आ रहा है। जो रिपीटेड वर्ड है पहले हम वो लिखेंगे। आप लिखो इट इंक्लूड्स, जब भी कोई ऐसा वर्ड आता है जिसमें अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे होते हैं तो पहले उसको मेंशन किया जाता है। तो एस कितनी बार रिपीट हो रहा है, इट इंक्लूड्स फोर एस। आई कितनी बार रिपीट हो रहा है, वन टू थ्री फोर, फोर आई। फिर पी कितनी बार रिपीट हो रहा है, टू, तो इट इंक्लूड टू पी। ऐसा क्यों लिखा पहले मैं आपको यह बताता हूं। देखो, जैसे कि कोई भी वर्ड है ए बी बी सी, मैंने आपसे पूछा कि फोर लेटर है, फोर लेटर को फोर पोजिशन पर रखकर हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग, तो आपका आंसर क्या होगा? सर आप फोर पी फोर कर दो, या आपका आंसर होगा फोर पी फोर होगा, ठीक है। लेकिन आप ये, आपने ये नोटिस किया कि यहाँ पे बी तो रिपीट हो रहा है, बी बी रखूँ या मैं इस बी को यहाँ रखूँ, इस बी को यहाँ रखूँ, केस तो सेम ही बनेगा। तो इसका, और आपने यहाँ पर ये वाला केस भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया, यानी कि जो आपकी वैल्यू है कि मान लो इसको सॉल्व करके फोर फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 24। आप ये कह रहे हो इन चार अल्फाबेट्स का यूज करके हम 24 वर्ड्स बना सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग, क्या ये आंसर ठीक है? ये आंसर ठीक नहीं है। 24 एग्जैक्टली नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि इसमें बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे जिसमें बी मूव करेगा, बी आगे पीछे मूव करेगा। अगर सेम अल्फाबेट आगे पीछे मूव करेगा, जैसे कि बी यहां पर है फिर यहां पर आ गया, अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, सेम ही वर्ड तो बनेगा। जैसे कि आपने ए बी की जगह अगर मैं बी बी कर दूं और यहां पर ए सी कर दूं, फिर मैं कहता हूं ये वाला बी आप आगे कर दो, ये वाला बी आप पीछे कर दो, तो क्या डिफरेंट लेटर होगा? सेम वर्ड बनेगा। तो ऐसे केसेस में क्या किया जाता है, जहां पे अल्फाबेट्स क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं, कि जितने अल्फाबेट्स रिपीट होते हैं तो रिपीटेड वर्ड को कैसे एलिमिनेट किया जाता है, जितने अल्फाबेट्स रिपीट होते हैं उसने से उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि अगर ये 24 आ रहा है, दो अल्फाबेट रिपीट हो रहे हैं, तो मैं इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूंगा। तो 24 को जब मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, इसका मतलब 12 ऐसे वर्ड्स होंगे विद और विदाउट मीनिंग जिसमें रिपीटेशन नहीं होगा, जो डिफरेंट होंगे। 12 ऐसे वर्ड होंगे इन चार अल्फाबेट्स का यूज करके जो हम बना सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? तो मैंने क्या क्या समझाया आपको, अगर अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे हैं तो जितने अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे हैं उनके सेम केसेस को एलिमिनेट कैसे किया जाता है, जितने अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे हैं उतने फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देते हैं। अब आप इस क्वेश्चन पर आ जाओ। अब आप इस क्वेश्चन में देखो, एस कितनी बार रिपीट हो रहा है, फोर टाइम। आई कितनी बार रिपीट हो रहा है, फोर टाइम। टू कितनी बार रिपीट हो रहा है, पी कितनी बार रिपीट हो रहा है, टू टाइम। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, यानी कि मैंने आपसे यह पूछा कि इन सभी लेटर का यूज करके कितने वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, कितने डिफरेंट वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग हम बना सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, 11 फैक्टोरियल। अब 11 फैक्टोरियल ही अगर आप लिखते हो, भाई 11 लेटर है, 11 पोजिशन पर 11 फैक्टोरियल, तो क्या आपने वो वर्ड्स भी काउंट किए जो रिपीट हो रहे हैं? बिल्कुल आपने उन वर्ड्स को भी काउंट किया। अब उनको एलिमिनेट कैसे करोगे, जितने वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। ये फोर टाइम एस रिपीट हो रहा है तो फोर फैक्टोरियल से डिवाइड करो, फोर टाइम्स आई रिपीट हो रहा है तो इसके केस को भी डिवाइड करो, पी आपका दो बार रिपीट हो रहा है तो इसको भी डिवाइड करो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी हमें कोई वर्ड दिया जाता है और उस पर अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे होते हैं तो जितने टाइम वो रिपीट हो रहे होते हैं, जितने भी अल्फाबेट्स हैं, जैसे कि 4s तो 4 फैक्टोरियल, 4i तो 4 फैक्टोरियल, 2p तो 2 फैक्टोरियल, इससे क्या होता है कि जो रिपीट, उनके रोटेशन से जो रिपीटेड वर्ड्स बनेंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे, तो एग्जैक्टली हमारे पास वो डिफरेंट वर्ड्स आएंगे जो इन लेटर्स का यूज करके आप बना सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 और 4 फैक्टोरियल, अपॉन में क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। इस 4 को क्या करोगे, 4, 3, 2, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू भी क्या होती है, 2 होती है। अब देखो कैंसिल क्या क्या होगा, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया,
और 4 2 8 हो गया आपका, वो 3 2 6 हो गया, 3 2 6 हो गया। अब देखो 11 ये हो गया 11, 10 9 90 और 7 5 35, 11 9 990 × 35। अब 99 को 35 से करो, 99 को 35 से, तो 9 5 45 और 4 कितना हो जाएगा 49, 9 3 27 और 2 कितना हो जाएगा 29, 5 ये हो जाएगा आपका 16 और 13 और 1 14 और ये हो जाएगा 3 4 6 5 और साथ में 0, तो ये हो जाएगा 3 4 6 5 0। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, इसका मतलब क्या, इट मींस टोटल नंबर ऑफ अरेंज, इन सभी लेटर्स को यूज करके टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे 3 4 6 5 0, 3 4 6 5 0। ये क्लियर हो गया? तो फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता कि नॉट कम टूगेदर, तो जो भी गिवन लेटर है उन सभी को यूज करके पहले कितने लेटर्स बनेंगे वो आपको फाइंड करना है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन डू द फोर आईज नॉट कम टूगेदर। अब आपको कहा जा रहा है कि चार आई एक साथ नहीं, फोर आईज नॉट कम टूगेदर। तो जब भी ऐसा केस आता है, देखो आपने टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे वो तो फाइंड कर लिए, आपको फाइंड करना है फोर आईज कम टूगेदर। नॉट वाला केस आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो अब हम क्या करेंगे, हम वो केस फाइंड करेंगे कि अगर फोर आईज एक साथ आते हैं और टोटल वाले केस में से फोर आईज वाला आप केस माइनस कर दो, तो बाकी का जो केस बचेगा वो क्या बनेगा, फोर आईज नॉट कम टूगेदर। नाउ व्हाट वी विल फाइंड, देखो टोटल अल्फाबेट टोटल लेटर्स कितने हैं 11, टोटल लेटर्स कितने हैं 11, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब हम क्या केस फाइंड कर रहे हैं, फोर आईज कम टूगेदर, मैं चार आईज को एक साथ रख रहा हूं, 1 2 3 4। अब हमें क्या करना है, अब फोर आईज कम टूगेदर, टूगेदर का मतलब ये चारों आईज आपके एक साथ रहेंगे, तो आपको इसको वन ब्लॉक कंसीडर करना है। फोर आईज एक साथ, अब ये आगे पीछे रोटेट होंगे तो पूरा एक साथ, पूरा ब्लॉक एक साथ आगे पीछे जाएगा, ये पूरा का पूरा एक साथ मूव करेगा, फोर आईज कम टूगेदर, फोर आईज कम टूगेदर। तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं, अब देखो अब यहां पर क्या होगा, आपका टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना होगा, देखो पहले देखो वन वेज कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 ब्लॉक, तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ मूविंग द अल्फाबेट्स कितने हो गए 8। हेयर हेयर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ, या फिर आप इसको नाउ लिखो, नाउ टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ हैविंग फोर आईज टूगेदर, ऑफ हैविंग फोर आईज टूगेदर। हमें पूछा गया नॉट कमिंग टूगेदर, तो नॉट कमिंग वाला केस डायरेक्टली नहीं निकाला जाता, तो उसके लिए क्या करना है, पहले टोटल वर्ड्स फाइंड करोगे फिर फोर आईज टूगेदर वाला केस फाइंड करोगे, लेकिन इससे पहले आपको क्या लिखना है, कंसीडर कंसीडर फोर आईज इन वन ब्लॉक। अब फोर आईज को एक ब्लॉक कंसीडर करोगे, हम इन चार आई का एक ब्लॉक कंसीडर करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट अब कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये पूरा एक एक केस माना जाएगा, तो 8। तो ये क्या, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया 8 फैक्टोरियल, ये कितना हो गया 8 फैक्टोरियल। अब देखो आई तो यहां आपका फिक्स हो गया, बाकी रिपीटेड वर्ड्स अल्फाबेट्स क्या है, 4s, तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे, और 2p 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट 4 आईज 4 पोजीशन पे मूव करेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 फैक्टोरियल, 4 आईज 4 पोजीशन पे मूव करेंगे तो इनटू 4 फैक्टोरियल, 4 केसेस और बनेंगे आपके, लेकिन है तो सारे के सारे सेम अल्फाबेट, अगर सेम अल्फाबेट है तो आप इसको 4 फैक्टोरियल से ही क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे कि मान लो ये होता आपका ब्लॉक, ये आपका ब्लॉक होता ए बी और सी, ऐसे होता, और ये होता 1, ये पूरा एक ब्लॉक होता 2 3,
तो आप इसको एक ब्लॉक कंसीडर करते हैं, वन टू थ्री फोर, तो आप कहते हैं फोर फैक्टोरियल, और कोई अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहा तो फोर फैक्टोरियल। लेकिन देखो ए बी सी, अगर यहां पर बी आ जाएगा, यहां ए आ जाएगा, नया केस बन जाएगा, यहां पे सी आ जाएगा, यहां बी आ जाएगा, तो जब ये तीन अल्फाबेट तीन पोजिशन पे मूव करेंगे तो इस पे थ्री फैक्टोरियल केस से आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या कोई भी अल्फाबेट रिपीट हो रहा है? अगर नहीं हो रहा तो यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या है, एट फैक्टोरियल, जिसमें से एस फोर टाइम रिपीट हो रहा है तो फोर फैक्टोरियल से आप डिवाइड करोगे, पी टू टाइम्स रिपीट हो रहा है टू फैक्टोरियल से आप डिवाइड करोगे। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, और मल्टीप्लाई करना आपको, आई फोर पोजिशन पे मूव करेगा, फोर आई फोर पोजिशन पे मूव करेंगे इंटू फोर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, पर है तो रिपीटेड वर्ड, अगर सारे अल्फाबेट सारे के सारे आई सेम है, यानी कि सारे के सारे अल्फाबेट आपके सेम है, तो फोर फैक्टोरियल से ही आपको क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, फोर फैक्टोरियल से फोर फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एट सेवन सिक्स फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, टू फैक्टोरियल इंटू फोर फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा, और टू फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, टू, तो मैं डायरेक्टली यहां पर टू लिख रहा हूं इसको, टू, ये हो जाएगा टू थ्री जा सिक्स, अब फाइव थ्री जा क्या हो जाएगा फिफ्टीन, एट सेवन जा क्या हो जाएगा फिफ्टी सिक्स, फिफ्टी सिक्स को फिफ्टीन से मल्टीप्लाई करो, फिफ्टी सिक्स को फिफ्टीन से, फिफ्टीन सिक्स जा क्या होता है नाइनटी, फिफ्टीन फाइव जा सेवेंटी फाइव और नाइन, ये हो जाएगा एट्टी फोर, तो ये आ गया आपका एट्टी फोर। यानी कि अगर हम फोर आइस को एक साथ रखते हैं, अगर हम फोर आइस को एक ही ब्लॉक में बना के रखते हैं तो कितने अल्फाबेट्स बनेंगे, 840, तो मैं यहां पर इक्वल टू में लिख देता हूं 840। फिर से रिपीट कर देता हूं, क्या करना है आपको, जिसको आपको एक साथ रखना उसको आप एक ब्लॉक मानोगे। अब टोटल पोजिशन कितनी होगी, वन टू थ्री फोर फाइव, ये ब्लॉक सिक्स सेवन एट, एट फैक्टोरियल, आई को छोड़ के बाकी कौन कौन से अल्फाबेट रिपीट हो रहे हैं, एस चार बार रिपीट हो रहा है, फोर फैक्टोरियल से डिवाइड करो ताकि रिपीटेड केस हमारा एलिमिनेट हो जाए, पी दो बार रिपीट हो रहा है, टू फैक्टोरियल से डिवाइड करो, देन आई आपका ये जो आई है, ये जो ब्लॉक है आपका, इसमें चार अल्फाबेट है, चार अल्फाबेट चार पोजिशन पर रोटेट होंगे तो इंटू कर दो फोर फैक्टोरियल, लेकिन चारों अल्फाबेट सेम है इसलिए फोर फैक्टोरियल से ही आप डिवाइड भी कर दो। अगर ये सेम नहीं होते तो बस आप इतना ही करते, अगर ये सेम नहीं होते तो आप डिवाइड नहीं करते, ये बात समझ में आ रही है? तो आपका आंसर आ गया 840। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, अब आपको फाइंड क्या करना था, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ हैविंग फोर आईज नॉट टुगेदर, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ हैविंग फोर आईज नॉट टुगेदर, तो ये किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, इट विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट माइनस टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हैविंग फोर आईज टूगेदर, हैविंग फोर आईज टूगेदर, तो फोर आईज एक साथ ना आने का क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट यूजिंग ऑल लेटर्स माइनस टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हैविंग फोर आईज टूगेदर, तो ये कितना आया था हमारा, यूजिंग ऑल लेटर्स से हमारी वैल्यू आई थी 34650, और फोर आईज को एक साथ रख के वैल्यू कितनी आई, अब आप खुद ही प्रैक्टिकली सोचो, अगर टोटल केस में से फोर आईज टूगेदर वाले केस को मैं माइनस कर दूं तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, फोर आईज नॉट कम टूगेदर, और जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल बी इक्वल टू 33810, इट विल बी इक्वल टू 33810, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपने क्या सीखी, जब एक साथ रखना हो फोर आईज नॉट टूगेदर वो आप फाइंड नहीं कर सकते हो, हमें उल्टा करना होगा, टोटल केसेस हम फाइंड करेंगे सभी लेटर्स को यूज करके कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग, फिर फोर आईज को टुगेदर रख के हमने देखा कितने वर्ड्स बनेंगे, टोटल वाले में से इसको आप माइनस कर दो तो आपके पास वो केस आ जाएगा हैविंग फोर आईज नॉट कम टुगेदर। इज इट क्लियर? ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस, तो लेटर क्या है,
परम्यूटेशंस, तो मैंने यहां पे वर्ड लिखा परम्यूटेशन, परम्यूटेशंस। क्या आपसे पूछा जा रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन बी अरेंज्ड इफ द वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस, एक तो ये पूछा गया। दूसरा पूछा गया वोवल्स आर ऑल टूगेदर, क्या पूछा गया वोवल्स आर ऑल टूगेदर। और थर्ड पार्ट में देर आर ऑलवेज फोर लेटर बिटवीन पी एंड एस, क्या ये पूछा गया कि वोवल्स आर नॉट टूगेदर, तो टोटल नंबर वाला तो फाइंड करने की जरूरत है ही नहीं, वोवल्स आर ऑल टूगेदर वो तो हम डायरेक्टली निकाल ही देंगे। समझ आ रही मेरी बात, ठीक है। तो यहां पर कितने अल्फाबेट्स है, पहले ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हैं 12। तो अगर मैं यहां एक बॉक्स बनाता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो कुछ इस तरह से बॉक्स बनेगा हमारा। अब आप फर्स्ट पार्ट में देखो क्या कहा जा रहा है, फर्स्ट पार्ट में आपको ये कहा जा रहा है वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। तो फर्स्ट वर्ड हमारा फिक्स है, वो क्या होगा पी, लास्ट वर्ड हमारा फिक्स है, लास्ट अल्फाबेट भी फिक्स है एस। टोटल कितने हैं, टोटल कितने बताए मैंने 12, तो 12 में से दो फिक्स हो गए, बचे कितने 10, 12 में से दो फिक्स हो गए बचे कितने 10। अच्छा एक चीज और देखो, आपको इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, वर्ड परम्यूटेशन बी अरेंज्ड, क्या लिखा हुआ बी अरेंज्ड, अरेंजमेंट का मतलब होता है परम्यूटेशन, जहां ये अरेंज वर्ड आ जाए वहां तो डायरेक्टली समझ जाना कि किसकी बात हो रही है, परम्यूटेशन की। आपको याद होगा मैंने काफी क्वेश्चन में लिखा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है परम्यूटेशन, यहां तो डायरेक्टली लिखा हुआ है बी अरेंज्ड, अरेंज का मतलब होता है परम्यूटेशन, इतनी बात भी समझ में आ रही है, ठीक है। अब आप ये देखो, अब उसने ही क्या कहा फर्स्ट पार्ट में कि फर्स्ट लेटर आपका पी होना चाहिए, लास्ट लेटर आपका एस होना चाहिए, तो बाकी बचे 10, 10 लेटर 10 पोजिशन पर रोटेट करेंगे, ठीक है। अब आप यहां पर देखो कि यहां पर कोई वर्ड रिपीट हो रहा है आपका, टी कितनी बार आ रहा है, दो बार, हेयर टी लेटर रिपीटेड, कितनी बार रिपीट हो रहा है ट्वाइस, एक यही इकलौता है जो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अगर इन दिस केस, इन दिस केस टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म, टोटल नंबर ऑफ, इन दिस केस, ये जो फर्स्ट केस है आपका, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड इक्वल टू क्या होगा, देखो 10 पोजीशन 10 लेटर, तो मैं बोल सकता हूं 10 पी 10, 10 लेटर 10 पोजीशन पर जब अरेंज होंगे तो क्या होगा 10 पी 10 डिवाइडेड बाय, जो रिपीट हुआ है दो बार रिपीट हुआ है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, क्या नहीं सही था, 10 पी 10 का मतलब क्या हुआ 10 फैक्टोरियल, और ये क्या हो गया आपका 2 फैक्टोरियल। अब मैं इसको कहां तक एक्सपेंड करूं, 2 फैक्टोरियल तक, तो ये हो गया 10 9 8 7 6 5 4 3 और 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा, ये फाइनल आंसर है। मैंने आपको पहले भी कहा था इतनी बड़ी मल्टीप्लीकेशन आपको नहीं करनी है, बस यहीं लिख के आप छोड़ दोगे। क्या फर्स्ट वाला पार्ट क्लियर हो गया, क्लियर है तक, ठीक है। सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ, सेकंड वाले पार्ट में अगर आप देखो तो ये आपका है वोवल्स आर ऑल टुगेदर, उसने क्या कहा आपको कि जो वोवल्स है वो एक साथ होने चाहिए। अब मैं इसी केस में समझा रहा हूं आपको, ठीक है, यही केस मैं ले रहा हूं आपका सेकंड के लिए। इसमें वोवल्स कौन कौन से जरा बताओगे, सबसे पहले वोवल क्या होता है, ए, क्या ए है यहां पर, है, तो मैंने यहां लिखा ए। फिर क्या होता है ई, क्या ई है यहां पर, ई भी है। फिर क्या होता है आई, आई भी है, ओ भी है और यू भी है, सारे वोवल है। 12 पोजिशन में 5 तो वोवल हो गए, और इनको क्या कंसीडर करोगे, वन ब्लॉक कंसीडर, कंसीडर ए ई आई ओ यू, कंसीडर ए ई आई ओ यू एज एज वन ब्लॉक, एज वन ब्लॉक, ठीक है। नाउ टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ
अरेंजमेंट व्हेन ऑल वोवल्स आर टुगेदर, व्हेन ऑल वोवल्स आर टुगेदर, कंसीडर इट एज वन ब्लॉक। इसको आपने एक पूरा ब्लॉक ले लिया, 12 में से 5 हटा दो, बचे कितने, 7 और एक ये ब्लॉक, कितना हो गया 8, कितना हो गया 8। तो मैं बोल सकता हूं 8P8, जिसमें T कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। और ये जो वॉबल्स है 5 पोजिशन पे, ये भी तो आगे पीछे होंगे, इनटू क्या हो जाएगा 5P5। कोई डाउट है तो बताओ, यहां तक समझ में आ गया, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो व्हाट वी विल हैव, देखो 8P8 क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको, कहां तक एक्सपेंड करूं इसको मैं, 2 तक, 5 फैक्टोरियल तो सीधा ही पता 120 हो जाएगा, ठीक है। तो 8, 7, 6, 5, 4, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, इंटू में क्या आ जाएगा 120, अपॉन में क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। इससे आप इसको कैंसिल कर दोगे, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है, चलें आगे, ठीक है। तो थर्ड पार्ट जो आपका वो स्पेशल केस है, देर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस, देर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस। थर्ड पार्ट में क्या है कि पी और एस के बीच में 4 लेटर होने चाहिए, कितने होने चाहिए 4 लेटर। अब प्रैक्टिकली देखो इस चीज को, ये टोटल कितनी पोजीशन है 12, टोटल कितनी पोजीशन है 12। अब देखो आपको ये कहा गया कि पी और एस के बीच में कितने लेटर होने चाहिए 4, ठीक है। अगर मैं पी को फर्स्ट पोजीशन पर रखता हूं तो आगे 4 लेटर का गैप दो, 2, 3, 4, 5, तो यहां पर ये कौन सी पोजीशन पर आएगा, 6th पोजीशन पर। अगर मैं पी को सेकंड पोजीशन पर रखता हूं तो 3, 4, 5, 6 ये किस पर आएगा, 7 पर। अब देखो एक ऑर्डर आपको समझ में आ रहा होगा, ये 3 फिर 4, 5, 6, 7, तो ये कौन सी पोजीशन पर आएगा 8, ये 4th पर, 4 लेटर लेके आओ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये हो गया 9, ये 5th पोजीशन पर आ गया 6, 7, 8, 9, तो ये किस पोजीशन पर आ गया 10th, ये 6th पोजीशन पर आ गया, तो 7, 8, 9, 10 ये कौन सी पोजीशन पर आ गया 11th। अब यहां पे टोटल तो 12 है ना, एक और केस आ सकता है, तो मैंने यहां पे लिखा P 1, 2, 3, 4, तो एस कौन सी पोजीशन पर आ जाएगा 12th, अगर ये आता 7th पोजीशन पर। अब एक बार आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, जो थर्ड पार्ट है, क्या कहा गया उसमें, देर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस, क्या कहीं भी उसने ये कहा है कि पी पहले ही आना चाहिए, उसने बस ये कहा है कि 4 लेटर का गैप होना चाहिए। तो जो केसेस पी को आगे रख के एस को पीछे रख के आ रहे हैं, वही सारे केसेस एस और पी में भी बनेंगे। तो ये कितने केसेस बने हैं, पी के साथ 7, एस के साथ कितने बनेंगे 7, तो 7 प्लस 7 14, समझ में आ गया। तो 14 तो ये अलग ही कर दो आप, 14 को तो आप अलग ही कर दो, कैसे, इतना समझ में आ गया, प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है क्या समझाया मैंने, ठीक है। आपका टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड व्हेन देयर इज ऑलवेज 4 लेटर्स, व्हेन देयर इज ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस, देर इज ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस, क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। पी और एस तो चलो फिक्स है आपके, पी और एस ये तो 2 पोजिशन पर फिक्स है ही है, चाहे किसी भी पोजिशन पर हो, बाकी तो 10 पोजिशन आपके पास अवेलेबल है। तो कहना इज दैट देखो 14 तो ये आ गया, 7 केसेस वेन स्टार्ट विथ पी और 7 केसेस वेन स्टार्ट विथ एस, तो ये 14 तो क्लियर हो गया आपको, ठीक है, 14 क्लियर हो गया आपको। इक्वल 14 इंटू में क्या हो जाएगा, जो मैंने अभी पहले लिख के दिखाया वो पहले आपको सारा मेंशन करना है, वो सारी प्रेजेंटेशन में ही आंसर में ही आएगा। एक बार पी वाले केसेस दिखा दोगे उसके बाद फिर आप लिखोगे, सिमिलरली देर विल बी 7 केसेस फॉर व्हेन वर्ड स्टार्ट विद एस, समझ में आ गया। जैसे वो पी और एस वाला लिखोगे उसके बाद क्या लिखोगे, सिमिलरली देर आर 7 केसेस फॉर एस ऑल्सो व्हेन
एस कम्स फर्स्ट, समझ में आ गया। तो टोटल केसेस कितने हो जाएंगे 14, समझ में आ गया। क्या लिखना है आपको, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, आप क्या लिखोगे वो पूरी प्रेजेंटेशन के बाद। देर आर टोटल 14 केसेस, दैट इज 7 व्हेन वर्ड स्टार्ट विथ, वर्ड स्टार्ट विथ पी, स्टार्ट विथ पी एंड 7 व्हेन वर्ड्स स्टार्ट विथ एस। वो प्रेजेंटेशन दिखाओगे उसके बाद फिर ये लिखना आपको, जो मैंने ये लिखा है सारा। तो आपने बता दे कि टोटल कितने केसेस है 14, तभी तो 14 से मल्टीप्लाई करो, तो 14 तो ये हो गया आपका। उसके अलावा कितने अल्फाबेट्स लेटर हैं, 10। 10 पोजिशन पर रोटेट करोगे तो क्या करोगे, 10 फैक्टोरियल, यानी कि 10p10। समझ आ रहा है भैया, p और s को छोड़ के बाकी तो 10 पोजिशन बचती है, 10 पोजिशन पर 10 लेटर मूव करेंगे तो 10 फैक्टोरियल, यानी कि 10p10। ये समझ में आ रहा है, दो बार t आ रहा है आपका, तो किससे डिवाइड कर दूं, 2 से, तो ये किसके इक्वल होगा आपका, 14 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5 4 3 और 2 फैक्टोरियल, और ये किससे डिवाइड हो जाएगा आपका, 2 फैक्टोरियल से। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा और ये भारी भरकम मल्टीप्लीकेशन करके जो आपका आएगा वो आपका आंसर होगा। समझ में आ गया, क्वेश्चन क्लियर हो गया यहाँ तक, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 11, और इसके साथ ही एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट। सो गाइस, दिस इज फॉर टुडेज क्लास, आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द रेगुलर नोटिफिकेशन ऑफ माय क्लासेस। थैंक्स, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।